अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? हम लोग ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ नेदरलैंड के आज आपको एक और खूबी बताते हैं कि यहाँ बहुत सारी मार्केट्स लगती हैं। तो चलें आज मैं आपको अपने एरिया की बहुत अच्छी मार्केट दिखाऊंगी जहाँ हर तरह की चीज़ मिल जाती है। कट पीस, बेडशीटें, बच्चों के कपड़े, दुपट्टे, मैचिंग, हर तरह की चीज़ होती है। इवन के सब्जियाँ भी बहुत इकोनॉमिकल रेंज में मिलती हैं। तो यूँ ही हमारे साथ रहिए। हम मार्केट पहुंच चुके हैं और मैं आज आपको मार्केट दिखाऊंगी। मैं यहीं से ही शॉपिंग करती हूँ। सब्जी, छोटी छोटी चीज़ें बहुत सस्ती और इकोनॉमिकल रेंज में मिल जाती हैं। मैं यहाँ से ही हर ज़रूरत की चीज़ को लेना प्रेफर करती हूँ और इसमें कोई बुराई या शर्म वाली बात नहीं है। तो साथ साथ आप देखें मार्केट और मैं आपको दिखाऊंगी मैं क्या क्या मिलता है। शाल और हुनैन को लेके दिए हैं ये हैट। चले मार्केट से हम हो गए हैं फ्री। और यहाँ की एक आपको मैं बहुत बड़ी एक खूबी बताऊं, यहाँ पे स्टोर्स में फ्रेश जूस, फ्रेश ऑरेंज जूस आप खुद अपने हाथ से बना सकते हैं। और फ्रेश जूस पहले पीते हैं फ्रेश जूस। ये देखिए, ये मैंने यहाँ की उठाई है बॉटल और अब मैं आपको इसका प्रोसेस बताऊंगी। मैंने बॉटल को रखा है मशीन पर, ये देख सकते हैं आप। ये ऑरेंजेस हैं, ये ऑरेंजेस हैं और ये बॉटल है, ये देखें। अब हम इसको करेंगे प्रेस, यहाँ से प्रेस करेंगे, ये देखें बॉटल भर जाएगी जूस की। ये देखें, आप यूँ देख सकते हैं मेरा जूस बन गया। ये देखिए, और बिल्कुल फ्रेश अपने हाथ का बने हुआ। और एक यूरो का जूस है ये देख सकते हैं। मैं शाल और हुनैन को मोस्टली यहाँ से ही फ्रेश जूस पिलाती हूँ अपने हाथ से बनवा कर। इस तरह मशीन भी नहीं गंदी होती, उसको वॉश करने की भी टेंशन नहीं और उसी वक्त फ्रेश जूस भी पिया जाता है। तो जूस पीने के बाद इतना टाइम हो चुका था और इशान हुनैन की लाइब्रेरी होती है 4:30 बजे,
तो हम आए हैं लाइब्रेरी और आज मैं कोशिश कर आपको लाइब्रेरी की ज़रूर वीडियो दिखाऊंगी। चाहे मैं कुछ बोल ना सकूं क्योंकि नॉर्मली आपको पता है लाइब्रेरी में बहुत खामोशी होती है और ये लोग अलाउ नहीं करते, लेकिन मैं लाइब्रेरी ज़रूर दिखाऊंगी ताकि बच्चों को आपको मैं बता सकूं कि बच्चों को बुक रीडिंग का शौक़ कैसे पड़ता है और फिर बच्चे बुक्स को देख कर कैसे कैसे माइंड में ख्याल लेकर आते हैं। तो चलें चलते हैं लाइब्रेरी और मैं आपको दिखाऊंगी कि शान हुनैन लाइब्रेरी में कैसे बुक्स पढ़ती हैं। लाइब्रेरी से हम फ्री हो चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ सब कुछ एक ही जगह से नहीं मिलता, सुपर स्टोर अलग जगह पर होता है और मीट हलाल मीट शॉप दूसरी जगह पर होती है। तो मैं आज आपको यहाँ की दिखाऊंगी हलाल मीट शॉप, जहाँ से मैं चिकन कीमा मटन सब कुछ एक ही जगह से लेती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एरिया में टोटली हलाल शॉप्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बेनिफिट है हमारे लिए। तो मैं आज आपको दिखाने लगी हूँ मीट शॉप, तो चलें आज चलते हैं हमारे साथ। मैंने वहाँ ऑर्डर किया है मटन और फिर चलेंगे घर की तरफ। वालेकुम सलाम। मैंने बनाया है डिनर में पास्ता, इसको मैंने बेक किया है और इसके बाद मैं करूंगी किचन की सफाई। पाकिस्तान सारे कामों से फारिग होकर पाकिस्तान से जो कपड़े आए हैं मैं कर रही हूँ उनकी ऑल्टरेशन। लेंथ थोड़ी लंबी थी तो मैं उनकी लेंथ कर रही हूँ छोटी। यहीं पे करेंगे वीडियो को एंड। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जिनको सब्सक्राइब का नहीं पता है तो वो दी फैमिली लाइफ इन द नेदरलैंड के पेज पे जाएं और ये रेड कलर के सब्सक्राइब को दबाएं तो सब्सक्राइब हो जाएगा। वीडियो को एडिट करते हुए मुझसे छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, अभी बहुत स्टार्ट है तो उसको इग्नोर कीजिएगा और कॉमेंट करके बताएं आपको किस तरह की वीडियोज़ चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और जो है यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।